एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि रियासत हमारे निहत्ते साथियों को पीपल्स पार्टी से बचाए, अगर नहीं बचा सकते तो हमें इजाज़त दें, मरना हमारे लिए मसला नहीं। 3 माह में ये छठा वाक़या है, मरने वाले कारकुनों को ही जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। वो कराची में मीडिया टॉक कर रहे थे। सोराब गोल्ड पर निहत्ते बैठे हुए हमारे साथियों को ऑफिस में आकर शहीद किया, हमीदुल्ला भाई को शहीद कर दिया। मेरे निहत्ते साथियों को इस पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों से नहीं बचा सकती, हमें इजाजत दे। फिर ये मरना हमारे लिए मसला नहीं है। मैं रियासत को आवाज लगाकर आखिरी दफा कहना चाहता हूं, आप अगर इसी तरह से तमाशाई बनकर और उन जिम्मेदारों को भी कि जिनको हर मौके पर एमक्यूएम नजर आ जाती, कसूर नजर आ जाता है, ये पहला वाकया नहीं है, 3 महीने में ये छठा वाकया है, 3 महीने में छठा वाकया है। हर एमक्यूएम के साथ साथ कारकुन के शहादत पे वो एमक्यूएम के कारकुनों को ही कसूरवार, मरने वाले का ही कसूरवार करार देते हैं कि मरने वाले का ही कसूर है।